हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल बी कॉन्फिडेंट। फ्रेंड्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी फिट एंड फाइन होंगे और अपने अच्छे अच्छे कार्यों में बिजी होंगे। फ्रेंड्स यह मेरा 4 साल पुराना कॉमर्शियल क्वालिटी का बारहमासी कागजी नींबू का पेड़ है। इसे मैंने 15 किलो वाले ग्रो बैग में लगा रखा है। इसके नींबू का साइज लगभग 50 ग्राम का होता है। यही वह नींबू है जिसकी बाजार में सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। यूँ तो इस पर साल भर नींबू लगते रहते हैं, लेकिन मेनली इस पर 70% फल गर्मियों में आते हैं और 30% सर्दियों में। अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, आप देख रहे हैं इस पर अभी भी कुछ पके हुए नींबू लगे हुए हैं। कुछ छोटे नींबू भी लगे हुए हैं और फूल भी आ रहे हैं। नर्सरी पर इस क्वालिटी के नींबू के पौधों की कीमत लगभग 250 से 500 रुपए के आसपास रहती है। लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसी टेक्निक शेयर करूंगा जिससे आप ठीक इसी तरह के पौधे फ्री में अपने घर पर ही बना पाएंगे। वो टेक्निक जानने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स मैं हूं आपका होस्ट एंड गाइड पीकेजी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल बी कॉन्फिडेंट। फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो में नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि इस चैनल पर मैं अच्छी अच्छी एजुकेटिव इन्फॉर्मेटिव एंड मोटिवेटिव वीडियोज अपलोड करता रहता हूं। फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना पूरी तरह से मुफ्त यानी 100% फ्री है। तो आइए अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। यूँ तो किसी भी तरह की एयरलाइन बांधने के लिए बरसात का मौसम सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर थोड़ी सी सावधानी बरते तो नींबू व गुड़हल जैसे उड़ी ब्रांच वाले पौधों की एयर लेयरिंग कभी भी की जा सकती है। आज हम लेमन यानी नींबू के नए पौधे एयरलिंग से कैसे तैयार करें इस बारे में कुछ बातें शेयर करेंगे। फ्रेंड्स नींबू की एयरलिंग हमेशा उसी पौधे पर करें जिस पर फल आते हों। सबसे पहले लगभग पेंसिल की मोटाई की लगभग 6 से 12 महीने पुरानी नींबू की एक ब्रांच का चुनाव कर लें। नींबू के पौधे पर अक्सर डाईबैक की बीमारी लग जाती है, इसलिए सबसे पहले अपने सभी कटिंग टूल्स को किसी एंटीसेप्टिक लोशन से स्टरलाइज कर लेंगे जिससे किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचा जा सके। मैं अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से अपने कटिंग टूल्स को स्टरलाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले एयरलिंग करने वाले स्थान के आसपास अगर कोई साइड ब्रांच या पत्तियां या कांटे आदि हैं तो उन्हें कट करके हटा दें। आप देख रहे हैं इस प्रकार मैंने इस ब्रांच को सिलेक्ट कर लिया है। अब इस पर नोडल पोर्शन से लगभग आधा सेंटीमीटर नीचे एक राउंड कट लगाएंगे। हमें सिर्फ ब्रांच की छाल यानी स्किन ही हटानी है, इसलिए कट बहुत ज़्यादा गहरा नहीं लगाएंगे। तथा फिर पहले कट से लगभग 1 इंच नीचे दूसरा राउंड कट लगाएंगे। और फिर दोनों कट्स को मिलाते हुए एक सीधा कट लगाएंगे।
इसके बाद चाकू की नोक से या नाखून से इसकी छाल को हटा देंगे। जहाँ से हमने स्किन हटाई है वहाँ पर हमको कुछ ग्रीन ग्रीन सा महसूस हो रहा है, इसे कैम्बियम लेयर कहते हैं। हम अपने चाकू से हल्का हल्का स्क्रैच करके इसे हटा देंगे। अगर स्क्रैच करते समय कुछ धागे की तरह के रेशे रह जाएं, तो उन्हें खींचकर हटाने के बजाय किसी कैंची से कट करके हटाएं। हाथ से खींचने से एयरलेयरिंग खराब होने का खतरा रहता है। अपनी एयरलेयरिंग के रिजल्ट को और भी बेहतर बनाने के लिए एक ताज़ा एलोवेरा की पत्ती के जेल से एयरलेयरिंग के ऊपर वाले कट पर लगा देंगे, क्योंकि एलोवेरा जेल रूटिंग हार्मोन का काम करता है। इसके बाद हम 50% कोकोपीट और 50% गार्डन सॉइल को अच्छी तरह से ताजे पानी में आटे की तरह गूंदकर लगभग 1 इंच डायमीटर की सॉइल की बॉल बना लेंगे। फिर इस बाल को 2 हिस्सों में तोड़कर इस प्रकार कट वाले भाग को पूरी तरह से कवर करते हुए चारों तरफ अच्छी तरह लगा देंगे। इसके बाद हम एक 4x6 की ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन का टुकड़ा देंगे और इसे इसके चारों तरफ अच्छी तरह से लपेट देंगे। इसके बाद लगभग 2 फीट की एक रस्सी लेंगे और उससे नीचे की तरफ से एयर टाइट करते हुए बांध देंगे। उसके बाद ऊपर की तरफ से भी बांधेंगे। फिर रस्सी के दोनों सिरों को पकड़कर बीच में से भी बांध देंगे, जिससे सॉइल मीडिया का ब्रांच से पूरी तरह से कांटेक्ट बना रहे। इस प्रकार हमारी एयर लेयरिंग बनकर तैयार है। लगभग 1 से 1.5 महीने में इसमें रूट्स आ जाएंगी और हम इसे किसी गमले या ग्रो बैग में लगाकर एक नया पौधा बना लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने अपने इस पौधे पर लगभग 1 महीने पहले सितंबर के लास्ट में 5-6 लेयरिंग की थी, जिनमें अच्छी तरह से रूट्स आ गई हैं। आज मैं इन्हें कट करके ग्रो बैग में लगा लूँगा। आप देख रहे हैं कि इस एयर लेयरिंग में कितनी अच्छी तरह से रूट्स आ गई हैं। इसे मैं अपने कटर से नीचे की तरफ से कट कर लूँगा, लेकिन कट करने से पहले अपने कटर को स्टेलाइज ज़रूर कर लें। आप देख रहे हैं इस एयरलेयरिंग में कितनी अच्छी तरह से रूट्स आ गई हैं। इसके बाद मैं रस्सी को काटकर सावधानी से इसके ऊपर लगी पॉलिथीन को हटा दूंगा। इससे रूट्स नहीं कटने पाए। हाथ संभाल करके पॉलिथीन को हटाएं, वरना रूट्स टूट सकती हैं। इस एयरलेयरिंग में कितनी अच्छी तरह से रूट्स आ गई हैं आप देख पा रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैंने अपने इस ग्रो बैग में 70% गार्डन सॉइल तथा 30% कंपोस्ट मिलाकर भर लिया है। अब मैं अपनी एयर लेयरिंग को इसमें लगा लूंगा। लगाकर हाथ की उंगलियों से अच्छी तरह से दबा दबा कर चारों तरफ से मिट्टी को सेट कर देंगे।
और फिर इसमें पानी दे देंगे। इस प्रकार हमारी एयर लेयरिंग प्लांट होकर तैयार हो गई है। इसे लगभग 1 सप्ताह तक सेमी शेड में रखेंगे और उसके बाद फुल सन में रख देंगे। फ्रेंड्स, नींबू के पौधे में बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है, इसलिए जहाँ से हमने अपनी ब्रांच कट की है वहाँ पर कोई फंगीसाइड लगा देंगे। अगर हमारे पास कोई फंगीसाइड पाउडर नहीं है तो हल्दी हर घर में आसानी से मिल जाती है, हम हल्दी को ही इस पर लगा देंगे जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचा जा सके। क्योंकि ये पौधे एयरलेइंग से तैयार किए गए हैं, अगर इन्हें अच्छा पोषण मिलेगा तो इन पर अगले साल ही नींबू लगने शुरू हो जाएंगे और इनकी क्वालिटी 100% इसी प्लांट जैसी होगी। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो में बताए गए तरीके से आप भी नींबू की एयरलेइंग बनाकर नया पौधा तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तथा रिलेटिव्स को शेयर करें, हो सकता है इसमें दी गई जानकारी उनके काम आ सके। हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।